हेलो फ्रेंड, तो फिर से मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आ गई। ये देखिए मटर पनीर है दोस्तों। मटर पनीर की रेसिपी अभी तक मैंने अपने चैनल में नहीं डाला था, तो आज मैं फिर से इसकी रेसिपी लेकर आ गई। ये देखिए कितना यम्मी और कितना डिलीशियस बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जारी कर लीजिए, ताकि मैं ये जो भी मज़ेदार रेसिपी लेकर आती हूँ उनका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए मैंने लिया है एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया है पानी, उसमें मैंने प्याज टमाटर और थोड़ा सा अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें डालकर इसको पहले हम पानी में उबाल लेंगे। तो इस तरह से अगर आप मटर पनीर बनाएंगे तो बहुत यकीन नहीं मानिए दोस्त, बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए उबल गया है, अब हम इनको पीस लेंगे। तो मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार, और ये देखिए मैं उसमें डालकर ये अपना प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें पहले एक बार में पीस लूँगी, और इसके बाद हम अपने टमाटर भी छील कर उसको भी हम पीस के एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों चीज़ें मेरी पीस गई। अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस के ऊपर, और डाल दिया मैंने 2 से 3 चम्मच, बड़ा वाला चमचा जो होता है ना, चमचा उसको हम बोलते हैं, वही चमचा भरकर तेल। सरसों का तेल है, ये ऑप्शनल है, आपके पास जो भी है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा तो ये सरसों के तेल में ही लगता है। तो थोड़ा सा तेल गरम हो गया, बस अब इसमें हम सबसे पहले अपने पनीर फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह अगर थोड़ा सा पनीर फ्राई कर लेते हैं तो बहुत टेस्टी ये बनता है। वैसे आप कच्चा पनीर भी डाल सकते हैं, पर आज मैंने सारी चीज़ें फ्राई करके बनाया है ना, इस वजह से मैंने पनीर भी फ्राई कर लिया। तो पनीर हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल कर बाहर कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से पनीर हमारे दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन हो गए हैं। तो बस अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इसी तरह के हमको चाहिए। तो बस हम पनीर करते हैं बाहर, और फिर हम अपना ये जो लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें जो हमने किया है ना फ्राई, उसको हम इसमें पकाएंगे। तो इसको क्योंकि हमारा पहले से ही पका हुआ है तो इसको हमको बहुत देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने डाल दिया है लहसुन, मेरा तेल छोड़ दिया है प्याज लहसुन, और इसमें टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं। तो ये इनको थोड़ा सा भून लेना, अच्छे से भून जाएगा, इससे खुशबू आने लगती है पकी वाली। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ मसालों की, तो वो प्याज लहसुन की। अब ये हमने मसाले निकाल लिए हैं, तो धनिया पाउडर, जीरा, थोड़ा सा जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, शाही पनीर मसाला, इस तरह मैंने हल्दी पाउडर, इस तरह से मैंने ले लिया है पनीर मसाला। बस मैंने 3 चम्मच लिया है, खाने वाले चम्मच भरकर 3 चम्मच मसाले लिया है पनीर वाला। बस ये मसाले भी हम इसमें डालकर बहुत अच्छे से मसालों की खूब जमकर भुनाई कर देनी है हमको। अभी मैंने टमाटर डाल दिया है, जो हमारे टमाटर पीसे हुए रखे थे ना उनको भी डालकर हम इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे। और जब हमारा टमाटर कच्चापन छोड़ देगा तो फिर हम इसमें मसाले जो हमने पानी में भिगो के रख दिए हैं ना उनकी भी अच्छे से भुनाई कर देते हैं। तो ये देखिए मैं टमाटर की कस के रगड़ रगड़ के भुनाई कर रही हूँ। अब हम अपने इसमें डालेंगे, देखिए टमाटर तेल फिर से छोड़ दिया मेरा, अब इसमें हम अपने मसाले भी कस के भुनाई कर लेंगे। तो अच्छे से मसालों से जब तक खुशबू ना आने लगे और हमारा खुद तेल छोड़ देगा मसाले, तब तक हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, तब पनीर हमारा बहुत अच्छा मटर पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने मसाले भी डाल दिए हैं इसमें, बस इसकी भी हम अच्छे से भुनाई करेंगे फ्रेंड्स। यही इसी तरह हमारे पनीर अच्छे बनते हैं, जब तक हम अपने मसाले हमारे कच्चे रह जाते हैं प्याज लहसुन, तो पनीर में टेस्ट वो नहीं आता हलवाई जैसे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल होटल रेस्टोरेंट्स में जैसे हम लोग मटर पनीर खाते हैं ना, ये उस तरह की मटर पनीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो मटर मैंने थोड़ी सी पहले से भी उबाल लिया था, अगर आपके पास उबली मटर नहीं है, नहीं आप पहले से उबालें तो ये मसाले के साथ भी पक जाती है। मैंने थोड़ा प्याज सारा उबाला था तो उसी में मैंने मटर भी उबाल लिया था, बाद में थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, टेस्ट के अनुसार आप यूज करना नमक। तो ये देखिए मैंने नमक डालकर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा मैंने पानी डालकर 3 से 4 बार पानी डालकर अच्छे से मसालों की भुनाई की है, और मसाला हमारा बिल्कुल भुनकर ये बिल्कुल देखिए तैयार हो गया एकदम से, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही, पूरे किचन में फैली है इसकी खुशबू, यकीन नहीं मानेंगे अगर आप इस तरह से मटर पनीर बना लेंगे
तो मेहमान खा खा के थक जाएंगे। खूब तारीफें आप बटोरेंगे। मेरे घर में भी मेहमान आए थे तो मैंने अच्छे से भुनाई करके इस तरह प्याज लहसुन सबकी बहुत अच्छा मटर पनीर बना के तैयार किया था। ये बिल्कुल शाही पनीर के जैसे इसका टेस्ट आता। बस अब इसमें हमने पानी डाल दिया है एक गिलास के लगभग, क्योंकि मुझे बहुत पानी वाला नहीं बनाना, थोड़ा गाढ़ा ही बनाना है। बस मटर हमने अपनी जो पनीर फ्राई करके रखी थी उसको डाल देना। बस ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है दोस्तों। देखिए इतना अच्छा यम्मी मटर पनीर बनकर एकदम से तैयार हो गया। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और हमने थोड़ा सा एकदम से गरम मसाला पाउडर अभी थोड़ा सा डाला था, क्योंकि ये बाद में इसकी अच्छी सी खुशबू लगती है। देखिए कितना अच्छा बिल्कुल गाढ़ा बना है, बिल्कुल रसा इसमें बिल्कुल पानी नहीं है दोस्तों। तो रेसिपी कैसी लगी है लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर